गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू टूडे विल स्टार्ट विद किंगडम प्रोटेस्टा इन योर सिलेबस इन प्रोटेस्टा विल बी डूइंग प्रोटोजोआ करेक्ट आप सबको पता है कि यू सेल अराउंड वन पॉइंट फोर फाइव बिलियन ईयरस एगो इवॉल्व हुआ यू नो हाउ मच इज बिलियन वन थाउजेंड मिलियन इज वन बिलियन और सौ मिलियन हजार मिलियन कितना होता है? एक मिलियन कितना होता है एक मिलियन जो है वो दस लाख के बराबर होता है तो इमेजन कि यू सेल वन पॉइंट फोर फाइव बिलियन ईयर्स एगो इवॉल्व हुआ था और यू नो दैट यू कैरियोटिक सेल में क्या होता है यू कैरियोटिक सेल में वेरियस सेल ऑर्गनल्स होती हैं और सभी सेल ऑर्गनल्स अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करती हैं एट देयर ओन प्लेस और उस फंक्शन करने से क्या होता है कि सेल जो है वो सर्वाइव करता है सो so, जो सिंगल सेल होता है वो दैट इज सफिशेंट इनफ टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन बिकॉज दे हैव वेरियस सेल ऑर्गन अलग अलग कोशिकांग होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं अब क्योंकि सेल ऑर्गन डेवलप हुए यू कैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनस के डेवलप होने से क्या हुआ कि सेल का साइज भी ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ सो इन किंगडम प्रोटेस्टा विल बी टॉकिंग अबाउट यू सेल ओनली इफ यू सी प्रोटेस्टा इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स राइट फर्स्ट वन इज प्रोटेस्टन एलगी नेक्स्ट इज प्रोटेस्टेंट protozoa and third one if you see water and slime molds right now if you see that algae they are photoautotrophs they manufacture their food on on their own whereas if you see protozoan and slime molds they are heterotrophs right they feed on the food produced by autotroph so if you see in our syllabus we are concerned with protozoa so we'll be mainly talking about protozoans now what are protozoans इफ यू सी दैट प्रोटोजो दे आर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक वॉट डू मीन बाई माइक्रोस्कोपिक दैट वी कैनोट सी आर नेकेडाइज हम अपनी आंखों से उन्हें देख नहीं सकते दे आर ए सेल्युलर वॉट डू मीन बाई ए सेल्युलर ऑल दो अगर यू कैरियोटिक सेल है वो यूनिसेल्युलर सिंगल सेल सर्वाइव करता है बट सिंगल सेल हैज कैपेसिटी टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन बिकॉज ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनल्स तो हम उसे ए सेल्यूलर भी बोलते हैं बिकॉज वो वन बॉडी है राइट एंड इफ यू सी दैट दे आर ईदर सॉल्ट्री या तो वो अकेले रहते हैं या दे मे बी लिविंग इन कॉलोनी राइट But wherever they are living, they live in aquatic medium. Correct. Now we'll be doing general characteristic general characteristics of protozoa.

Is there in their body form? For example, say this is amoeba, right? This is amoeba. जैसे कि आप इसकी शेप से देख सकते हो कि अमीबा की कोई सी शेप नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे इट इज इेगुलर राइट या फिर इफ यू सी दिस इज युगलिना युगलिना में यू विल सी दैट इट इज स्पिंडल शेप स्पिंडल शेप कैसी होती है ऐसी सो यू कैन सी दैट युगलिना इज स्पिंडल शेप्ड वेयर इज इफ यू सी दिस इज वॉट वॉटिसला इज बेल शेप्ड वेयर इज इफ यू सी दिस इज पैरामेशियम पैरामेशियम इज स्लिपर शेप्ड सो आप देखो कि जो ऑल दो प्रोटोजोन्स जो है माइक्रोस्कोपिक है बट शेप देखो पैरामेशियम जो है स्लिपर शेप्ड है वॉटिसला जो है वो क्या है बेल शेप्ड ज युगलिना इज स्पिंडल शेप्ड कौन सी शेप है स्पिंडल शेप है एंड अमीबा की शेप जो इरेगुलर कोई वेल डिफाइंड जो है उसकी शेप नहीं है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी ऑफ प्रोटोजो इज ऑर्गेनाइजेशन इफ यू सी दैट

if you see they all are suspended in cytoplasm correct so cytoplasm and have a nucleus a cytoplasm along with the nucleoplasm what is nucleoplasm the fluid which is present in the nucleus it forms what protoplasm correct so the, what is the grade of organization प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज देअर इन प्रोटोजोआ राइट थर्ड इफ यू सी कैरेक्ट्रिस्टिक दैट इज साइज साइज जैसा कि मैंने बोली दिया कि बहुत ही छोटे हैं सो माइक्रोस्कोपिक एंड दे आर कलरलेस अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हम क्या करते हैं डाई डालते हैं स्टेन डालते हैं ताकि वो विजिबल हो जाए अदरवाइज दे आर कलरलेस नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ़ यू सी दैट इज सिमेट्री। अब सिमेट्री कौन डिफाइन uh, करता है कौन डिटरमाइन करता है सिमेट्री उनकी शेप डिटरमाइन करती है कैसे जैसे अभी हम दिखाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ सी अमीबा अमीबा की शेप क्या है इरेगुलर कोई फिक्स शेप ही नहीं है तो हम कहेंगे अमीबा क्या है एसिमेट्रिकल है कोई सिमेट्री नहीं है अमीबा करेक्ट जबकि अगर आप देखें युगलिना में तो क्या है बाइलेट्रल सिमेट्री यानी कि व्हाट इज सिमेट्री बाइलेट्रल सिमेट्री मीन्स युगलिना के बीच में एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है जो कि पूरी बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में मिरर इमेज में जो है वो डिवाइड करता है करेक्ट नाउ इफ़ यू सी वाटिसला वाटी सेला में ये क्या है इफ़ यू सी बेल शेप्ड है तो अगर कोई चीज़ बेल शेप्ड है तो उसमें कौन सी सिमेट्री होगी उसमें रेडियल सिमेट्री होगी अब आप देखो जैसे ये कोई भी चीज है ये गोल है तो इसमें इफ यू सी देर विल बी मल्टीपल एक्सेस मल्टीपल यू कैन से डायमीटर्स थ्रू विच द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू टू मिरर इमेजेस सो हम इस तरह की सिमेट्री को क्या बोलते हैं रेडियल सिमेट्री बोलते हैं करेक्ट नेक्स्ट इफ यू सी बॉडी स्ट्रक्चर नेक्स्ट इफ यू जनरल कैरेक्टर इज बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अगर आप देखें कि जैसे ये अमीबा uh, है अमीबा एज गॉट सिंगल न्यूक्लियस सिंगल वन टाइप ऑफ न्यूक्लियस तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो मोनोमॉर्फिक, और यू कैन से इट इज यूनी न्यूक्लिएट ओनली वन न्यूक्लियस इज देयर तो अमीबा क्या है यूनी न्यूक्लिएट है जबकि अब मैं आपको दिखाती हूं कि दिस इज जी अनदर प्रोटोजोन इसमें दिखाई दे रहा है हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर टू तो हम क्या बोलेंगे दिस इज बाई न्यूक्लिएटेड और बाई न्यूक्लिएट है इसी तरह इफ यू सी ये दिखाई दे रहा है इसको ये है पीलो एक और प्रोटोजोन है बहुत सारे न्यूक्लियस है तो हम क्या बोलेंगे ये मल्टी न्यूक्लिएट ठीक है थीके? सेम वे इसी तरह न्यूक्लियस आप देखो या तो सारे न्यूक्लियस एक जैसे होंगे हम उसको कहेंगे मोनोमॉर्फिक कई बार क्या होता है कि जैसे पैरामीशियम इज देयर पैरामीशियम में आप देखो दो न्यूक्लियस है एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो मैक्रो न्यूक्लियस राइट right. तो अब हम पैरामीशियम को क्या कहेंगे ये है डाइमॉर्फिक इसका न्यूक्लियस कैसा है डायमॉर्फिक दो न्यूक्लियस हैं पर दोनों जो है वो डिफरेंट साइज के हैं इसी तरह जितने भी सीलिएट्स हैं देखो यहाँ पे सीलिएट है ना सी, सीलिएट प्रेजेंट ऑल ओवर द पैरामीशियम तो जितने भी सीलिएट हैं उनमें न्यूक्लियस कैसा होता है डाईमॉर्फिक होता है नाउ इसी तरह इफ़ यू सी कि जिस तरह कि प्रोटोजोन्स uh, में क्या है जैसे अमीबा uh, है द साइटोप्लाजम इफ यू सी ऑन द पेरीफ्री इज नोन एज एक्टोप्लाजम जो कि जस्ट सेल मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है बाकी इफ यू सी इन द मिडल द साइटोप्लाज्म इज नोन एज एंडोप्लाज्म सो प्रोटोप्लाज्म इज अगेन डिफ्रेंशिएटेड इन टू एक्टोप्लाजम एंड एंडोप्लाजम इन प्रोटोजोवा इसके अलावा अगर आप देखोगे कि या तो देखो मी बाई इज नेकेड इट इज नॉट कवर्ड बाय यानी सेल वॉल और यू नो शेल, तो जो है वी कैन से प्रोटोजोन्स दे कैन बी नेकेड, करेक्ट और समटाइम्स वॉट हैपन्स इज दैट पेलिकल में भी प्रेजेंट जैसे कि पैरामिशियम में इफ़ यू सी दिस इज पैरामिशियम द आउटर कवरिंग Is known as pellicle, so it can be pelliculated or pelliculated. So, it in paramecium the uh, cell membrane is covered by pellicle, so we call it as pelliculated. There may be shell, for example, if you see, I'll just see. ओके द डायग्राम इज नॉट अवेलेबल से फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दैट एल्फीडियम एल्फीडियम में क्या है बाहर एक शेल होता है और अंदर जो है वो प्रोटोजोजोन होता है एल्फीडियम नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट क्लास में डायग्राम दिखाऊंगी एल्फीडियम कैसा होता है सो आउटर शेल इज देयर और जैसे कि एकेंथोमेट्रा है इसमें क्या है इंटरनल शेल इज प्रेजेंट राइट कई बार क्या होता है जैसे एक्टिनोफ्राइज है एक्टिनो नॉट है यस ये ये क्या है एक्टिनोफ्राइज है एक्टिनोफ्राइज में क्या होता है एक्टिनो राइट इसमें क्या होता है कि इंटरनल फिलामेंट इज प्रेजेंट नोन एज एक्सोस्टाइन करेक्ट एंड मैंने बताया दिस इज एकेट्रा जिसमें कि इंटरनल शेल इज प्रेजेंट करेक्ट सो इफ यू सी दिस वे

इवन दो वो वन सेल्ड है बट दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन जैसे कि अमीबा है अमीबा में क्या था वहां पर सूडोपोडिया जो भी अमीबा के चारों तरफ तुमने जो वो, वो देखी ना फिंगरलैक प्रोजेक्शन वेलकम टू दैट डाइग्राम अगेन ये ये देखो जस्सी दीज फिंगरलैक प्रोजेक्शंस दे आर नोन एज सूडोपोडिया और सूडोपोडिया की मदद से वो मूव करते हैं नाउ इफ यू सी दैट पैरामीशियम पैरामीशियम में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर देयर तो वो क्या करते हैं सारे जो सीलिया हैं वो सिंक्रोनस uh, वे में इकट्ठे मूव करते हैं जैसे बोट में रोइंग होती है ना वैसे सारे सीलिया बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करते हैं एज रिजल्ट ऑफ विच मूवमेंट ऑफ सेल अक्कर राइट right. नाउ कई बार क्या होता है कि जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं जो किसी होस्ट पर रहते हैं उनमें कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं भी होता जैसे स्पोरोजन्स करेक्ट नाउ अगर आप देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ़ यू सी इज न्यूट्रिशन

राइट right? जैसे कि युगलीना है वॉलवॉक्स है राइट right? ये क्या करते हैं दे हैव दे दे मैन्युफैक्चर ओन ओन फूड फूड सिंथेसाइज और ऑन ओन या फिर बाकी के प्रोटोजोन्स क्या होलोजोइक होलोजोइक का मतलब दे टेक इन द फूड वो फूड जाके उनके साइटोप्लाज्म में जाते हैं साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं लाइजोजोम होती हैं और लाइजोजोम उस फूड को ब्रेक डाउन करती हैं जैसे कि पैरामेशियम है पैरामेशियम जो एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का बट कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे भी होते हैं जो डेड डीकिंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं जिनको हम कहते हैं सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो उनका कैसा मोड है सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जैसे कि ट्रिपानोजोमा है जो जिससे स्लीपिंग सिकनेस होती है ना ट्रिपेनोजोम है ट्राइकोनिम्फा है राइट या फिर वो क्या होंगे पैरासिटिक होंगे तुम्हें पता है पैरासिटिक का मतलब क्या है कि दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट जैसे कि प्लाज्मोडियम पता है ना प्लाज्मोडियम से क्या होता है मलेरिया तो प्लाज्मोडियम के होस्ट कौन कौन से हैं दो होस्ट है ना मैन एंड मॉस्किटो सो so, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन राइट जो जैसे हॉलोजोइक है जैसे मैंने बताया था कि पैरामिशियम है इनमें इन क्या होता है कि उनके पास डेफिनेट क्योंकि देखो हमारा मोड भी क्या है हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट मीन्स जिनके पास भी हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दे हैव डेफिनेट माउथ एंड डेफिनेट एनस अब आप सोचो कि पैरामेशियम तो इट्स अ वन सेल्ड है हाउ कैन इट हैव डिफरेंट ऑर्गन्स तो क्या होता है पैरामेशियम जैसे चाहे वन सेल्ड हो देर इज अ पर्टिकुलर एरिया थ्रू विच इनटेक ऑफ फ़ूड आकर उसको हम बोलते हैं साइटोस्टोम और एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है दैट दैट कम्स आउट दैट इज एड गिवन आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और उसको बोलते हैं साइटो ठीक है लार्ज एनिमल्स में हम उसे माउथ और एनिस बोलते हैं uh, जो एंट्री पॉइंट है एंटेक ऑफ फूड है वो साइटोस्टोम से होता है पैरामीशियम में और जो एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड वो तो होता है साइटोपाइज से करेक्ट नाउ वी कम टू नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन सिंस ये सिंगल सेल्ड है तो क्या होगा थ्रू जनरल बॉडी सरफेस यानी कि इनका जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू ही इट टेक्स द ऑक्सीजन इन एंड गिवस आउट कार्बन डाइऑक्साइड सेम विद द वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूजुअली जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो क्या होता है अमोनिया होता है तो अमोनिया है सो so, वो क्या हो गए दे आर अमोनोटैलिक तो वो जो अपना वेस्ट मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दे एक्सक्रीट आउट राइट नाउ इफ यू सी नेक्स्ट कैरेक्ट्रिस्टिक इज ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन इज टू कंट्रोल द वॉटर कंटेंट ऑफ द सेल दे रेगुलेट द वॉटर कंसंट्रेशन दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन जैसे कि जितने भी फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स हैं जैसे युगलिना है अमीबा है पैरामीशियम है उनके अंदर सी

कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सब वो सेल है सेल में बहुत सारे यू नो इनटेक हुई ऑफ फूड हुई या वेरियस प्रोसेस से केमिकल रिएक्शन से जो वॉटर प्रोड्यूस हुआ दैट एक्सेस वाटर जो है वो इस वाटर वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा एंड दिस वाटर वैक्यूल विल कम एंड फ्यूज विद द सेल मेमब्रेन एंड दे विल गिव आउट द एक्सेस वाटर ठीक है जबकि जो मरीन फॉर्म है एल्फीडियम है यह जो पैरासिटिक फॉर्म है जो एंड अमीबा है इनमें जो पैरासिटिक फॉर्म और मरीन फॉर्म होते हैं उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती बिकॉज वो उनका नेचर कैसा होता आइसोटोनिक यानी कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन उनकी बॉडी में और बाहर जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है नेक्स्ट इज नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी इज रिप्रोडक्शन इफ यू सी कि जितने भी प्रोटोजोन्स हैं दे शो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है ए सेक्शुअल रिपोडक्शन का मतलब क्या है देर आर वेरियस मैथड्स इट बाइनरी फ्यूशन भी हो सकता है मल्टीपल फ्यूशन भी हो सकता है बर्डिंग भी हो सकता है ठीक है तो अगर आप देखेंगे जैसे मैं दिखाती हूं ये देखो ये अमीबा है अमीबा में न्यूक्लियस जो है वो दो में डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियस इज बीइंग सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म एंड डिवाइड टू तो बाइनरी फिशन हो रहा है राइट इसी तरह युगलीना में भी आप देखो कि दिस इज युगलीना, युगलीना में भी बाइनरी फिशन हो रहा है सेम वे पैरामीशिया में भी आप देखो बाइनरी फिशन हो रहा है सो बाइनरी फिशन इज अ वेरी कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन्स सब कुछ सीलियट्स और स्पोरोजोन्स जो हैं वो देश सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि कंजुगेशन होगी ऑटोगेमी होगी एंड दे एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल एंड अगर प्लाज्मोडियम में आप देखो यहाँ यहां पर शो दिस, आ, ओके दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ मल्टी मल्टीपल फिशन जिसमें आप देखो कि न्यूक्लियस है न्यूक्लियस जो इट इज वेडिंग मेनी न्यूक्लिय एंड ईट न्यूक्लिय दे गेट सराउंड दिस इज सीन इन प्लाज्मोडियम जब होस्ट की बॉडी में होता है इट मेनी टाइम्स इट शो मल्टीपल फिश कई बार क्या होता है प्लाज्मोडियम जो है वो स्पोर्स भी बनाता है एंड स्पोर्स आर रिलीज सो इट्स प्लाज्मोडियम जो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है कभी वो कंजुगेशन शो करेगा और कभी वो स्पोर फॉर्मेशन शुरू करेगा बाय मल्टीपल फिश नेक्स्ट इज नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट का मतलब क्या फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट अराउंड ठीक है तो जितने भी फ्रेश वाटर फॉर्म हैं, जैसे अमीबा है युगलीना है जित पैरासिटिक फॉर्म्स है एंटामीबा है जियार्डिया है दे ऑल अंडर गो एनसिसमेंट जैसे भी जैसे ही अनफेवरेबल कोई कंडीशन होती है दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव सिस्ट वॉल अराउंड देम और उससे क्या होता है एक तो दे गेट प्रोटेक्टेड एंड डिस्पर्सल में भी मदद मिलती है दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मरीन फॉर्म्स में देर इज नो एनसिसमेंट ठीक है नाउ लास्ट पॉइंट इज हैबिटेट 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 व्हाट इज इज द प्लेस वेयर दे लिव राइट जैसा कि हम बार बार कह चुके वो क्या पता वो फ्रेश वाटर में रहते हो जैसे अमीबा है पैरामीशियम है ये सारे फ्रेश वाटर लिविंग है या फिर दे कैन बी लिविंग इन मरीन वाटर दे कैन बी मरीन इन नेचर जैसे कि एल्फीडियम है और दे कैन बी पैरासिटिक जैसे कि प्लाज्मोडियम है एंड अमीबा है दे लिव इन द बॉडी ऑफ द होस्ट या फिर वो हो सक वो दे कैन बी सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक में समझते हो कि दैट दे बेनिफिट ईच अदर जैसे ट्राइकोनिम्फा है. तुम्हें पता है ट्राइकोनिम्फा कहाँ है ट्राइकोनिम्फा किसकी बॉडी में रहता है ट्राइकोनिम्फा टर्माइट की बॉडी में रहता है राइट तो हाउ दे, यू नो हाउ दे शो द सिम्बाटिक रिलेशनशिप दैट दिस ट्राइकोनिम्फा इट डाइजेस्ट वुड इन टू और वॉट इज वुड मिडअ ऑफ सेलोस राइट बिकॉज ट्राइकोनिम्फा हैज़ एंजाइम नोन एज सेल्युलेस तो जो है टर्माइट है उसके स्टमक में क्या है टर्माइट किस पर फीड करती है वुड पे फीड करती है तो वो जो वुड है उस वुड को डाइजेस्ट करने के लिए टर्माइट के पास सेल्यज एंजाइम नहीं है तो वो सेल्यूज एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है ट्राइकोनिम्फा और ट्राइकोनिम्फा को क्या मिलता है ट्राइकोनिम्फा को वुड या सेल्यूज ईजीली अवेलेबल वो कौन कराता है दैट इज टर्माइट ठीक है तो वो दे कैन शो सिम्बायोटिक दे कैन बी सिम्बायोटिक इनहैबिटेट और दे कैन बी कमेंसल कमेंसल में क्या हो सकता है एक को फायदा और दूसरे को कोई नुकसान ना हो तो कमेंसलिज्म जैसे ओपेलिना है वो कमेंसल रिलेशनशिप शो करता है सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट सो आई होप इतना तुम्हें क्लियर हो गया हो कि हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक करे हैं प्रोटोजोन्स के बॉडी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन साइज सिमेट्री बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गन ऑफ लोकोम मोशन रेस्परेशन एंड एक्सक्रेशन ऑस्मो रेगुलेशन रिप्रोडक्शन एंसस्टमेंट एंड हैबिटेट करेक्ट अगर हम एक जिस्ट में अगर हम देखें अगर हम यूनिक फीचर्स ऑफ प्रोटोजोन्स देखें इन जस्ट फ्यू वर्ड्स वी कैन से दैट दे आर ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म राइट विथ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड इफ यू सी देर इज डिवीजन ऑफ लेबर हाउ डिविजन ऑफ लेबर ईच सेल ईच सेल डिफरेंट सेल ऑर्गे एंड ईच सेल ऑर्गे परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन दे हैव डिफरेंट ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन तुम्हें याद होगा हमने किया था फ्लैजिला है सीलिया है सूडोपोडिया है राइट right. अभी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की भी बात करी है लेकिन अभी होलोजोइक सेप्रोजोइ पैरासिटिक फ्यू आर ऑटोट्रॉफिक मेजोरिटी ऑफ देम आर हिट्रोट्रॉफ नेक्स्ट थिंग इज हमने बताया कि जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल्स हैं कॉन्ट्रैक्टल वैक्ुल्स हैं और जो पैरासिटिक और मरीन फॉर्म में कॉन्ट्रेक्टायल वैक्यूल्स नहीं हैं देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन राइट एंड देन इन द लास्ट वी सेट दे डेवलपर सिस्ट अराउंड दम फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल